तो अभी विकास भाई चला रहे हैं हमारी बुलेट। तो भाई जी थोड़ा पुराना भी हो गया देख सकते हो, और मेरे पीछे विकास भाई अभी यहाँ का टिकट ले रहे हैं। मेरा मैं ये नहीं कह रहा यहाँ के फूड की बुराई नहीं कर रहा। सो गाइस ये देखिए आप के अंदर का भाई साहब, ये एक रूम पड़ा है खतरनाक एकदम। ये देखो अंदर उसके भाई साहब। तो गाइस अभी मैं खड़ा हूँ मुरादाबाद की ओल्ड तहसील में, जो कि बुध बाज़ार में पड़ती है। ये देख सकते हो मेरे पीछे एक गेट है, ये बेसिकली ओल्ड तहसील है जो कि कहीं और शिफ्ट हो चुकी है अब। तो इसके अंदर चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ, बढ़िया से एक्सप्लोर करेंगे। तो वैसे अभी मैं तहसील के गेट के अंदर आ चुका हूँ, जो कि मेरे पीछे है देख सकते हो। तो बेसिकली ये है ओल्ड तहसील मुरादाबाद की, है ना। और देख सकते हो पीछे खाली एरिया है पूरा, तो गाड़ी वगैरह पार्किंग वगैरह के लिए खड़ी हैं। सो गाइस देख सकते हो आप, अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अंदर, और ये कुछ पुराने टाइम की बनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नाम भी लिखा है, ये देखो गाइस, ये सामने लिखा है तहसील मुरादाबाद। और ये काफ़ी पुरानी कंडीशन हो चुकी है इसकी, और काफ़ी ख़राब भी हो चुकी है। ये देख सकते हो पूरी ख़राब हो चुकी है इस टाइम। और इसकी दीवारें थोड़ी क्लोज से दिखाता हूँ, ये देखो सब काई वगैरह जम चुकी है इसके अंदर। और ये देख सकते हो बेसिकली ये कुछ पुराने यहाँ के ऑफिसेज वगैरह हैं जो चलते होंगे किसी टाइम में। तहसील सदर के 10 बड़े बकाया दायरे की सूची, मतलब ये इस टाइप का है। और ये देखिए आप, ये पुराने टाइम का पड़ा है पूरा यहाँ पे पीछे तक। और ये है कुछ, देखिए आप क्या खूबसूरत बना है, देख सकते हैं पूरा उधर आगे तक पूरा कितना बढ़िया बना है। और उधर थोड़ा बहुत काम होता है यहाँ पर, इक्का दुक्का, ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता है देख सकते हैं आप। सो गाइस अभी मैं इसके अंदर आ चुका हूँ, आप देख सकते हो ये तहसील किस तरीके की बनी है ना, बहुत ही यहाँ पे पुराने टाइम की है। और इधर ये देखो कितना बड़ा पेड़ लगा है इधर इस साइड, और इधर ये देखो ये ऐसा लग रहा है जंगली पेड़ वगैरह पड़े हैं यहाँ पे। और ऐसे इधर ये बक्से हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो गाइस ये बक्से हैं जो कि बिल्कुल ताले लगाए इन पर। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं बिल्कुल ज़मीन में भाई, ज़मीन में अटैच हैं ये बक्से। तो ये तो बहुत ही एपिक चीज़ दिखी मुझे। और बाकी दीवारें देखिए आप, इस टाइप की कुछ दीवारें हैं इसकी, ये देखिए। और बाकी ये पेड़ लगा है देख सकते हैं आप, बाकी आगे खंडर है, कुछ चल के दिखाता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ। तो यहाँ भी खंडर है, ये बंदर बैठे हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप सामने बंदर है, वो देखिए वो भाग गए उधर। तो यही है यहाँ पर अभी सीन, और बाकी तो सब खंडर ही है इधर मेरे ख्याल से। इधर ये ऐसी ही बना, देखो ये देखो पूरी ऊपर तक ये पेड़ है बहुत बड़ा, और ये देख सकते हैं आप, ये देखिए गाइस क्या एपिक बना है। सो गाइस ये काफ़ी एपिक बना है देख सकते हो आप। और ये देखो इसके अंदर रूम्स वगैरह भी हैं जो कि इस टाइम पूरे बंद हैं, केवल जाल लगाए, ये देख सकते हो, देख रहे हो। और पूरा ये इस टाइम सुनसान है गाइस, उधर एक दो लोग बैठे हैं, उन्होंने कहा कि आप बना लिए वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बंद हो चुकी है। और यहाँ पे डॉगी भी बैठे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये पुराना बंद हो चुका है पूरा। ये देखिए ऊपर की दीवारें देखिए कैसा हो गया, और ये देखिए डॉगी सो रहा है यहाँ पर इधर नीचे, और ये ताले वाले लगे हैं सब यहाँ पर। तो ये देखिए अंदर से खंडर हो चुकी है पूरी, तो इसके अंदर चलने की कोशिश करेंगे हम। सो गाइस ये देखिए आप, इसके अंदर का भाई साहब ही एक रूम पड़ा है, तो बहुत ही खंडर है, इसके अंदर एक दो कुत्ते बैठे हुए देखे मुझे अभी, और बहुत ही भाई डरावना टाइप का है। तो चलिए इसके अंदर ले चलता हूँ आपको। तो ये है कुछ गेट, और ये देखिए, चलो जाओ। ये देखिए गाइस क्या खंडर हो चुका है बिल्कुल, ये देखो ये डॉगी बैठा है, और ये देखो गाइस पूरा खंडर है इस टाइम। ये ऊपर का देखो शायद पंख फैन वगैरह लगा हुआ था यहाँ पे, और पूरा खंडर हो चुका है। ये देखो नीचे ये सब पड़ा, और ऊपर तक ये है। सो गाइस काफ़ी मतलब एपिक बना है यार, मेरा एक्सपीरियंस था, मैं यहाँ से निकल रहा था, मैंने कहा यार इसको कवर करा जाए, बहुत ही एपिक जगह है। पुरानी जगहों का यार मुझे एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है, काफ़ी मुझे पसंद आती हैं ऐसी जगह।
बाकी ये देख सकते हैं आप, ये कुछ इस टाइप का यहाँ का लुक है। और ये देख सकते हैं आप, सो गाइस इधर से यहाँ का लुक कुछ ऐसा है, देखो आप पुराना, यहाँ पे थोड़े बहुत पेड़ हैं, ये पुरानी बिल्डिंग है पूरी, ये भी पुरानी है, ये तो बिल्कुल खंडर हो चुकी है। और देख सकते हैं आप, मैं आपको आगे ले चलता हूँ, ये देखिए पूरा इधर टेंट वगैरह लगा, ये सब अंदर रूम्स वगैरह देखिए आप, सब इस टाइम खंडर हो चुका है। और ये देखिए बंदर वगैरह हैं यहाँ पे, बाकी चलते हैं आगे, कोई नहीं है, पूरा सुनसान पड़ा है। और इधर देखिए आप, ये गेट है इधर कुछ, ये इधर बिल्डिंग का पीछे का पोर्शन है, ये टूटा पड़ा है इधर, ये देखो। और ये पुराना टाइम का है, पूरा बंद हो चुकी है तहसील पूरी, तो किसी टाइम में ये चला करती थी तहसील, देख सकते हो आप। थोड़ा आगे ले चलता हूँ, ये देखिए बंदर बैठे हैं यहाँ पे, ये देखिए गाइस यहाँ पे थोड़ा कूड़ा वूड़ा पड़ा है देख सकते हो। और ये पूरा इधर ये एक्सटेंशन वगैरह लगा है यहाँ पे, इधर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर वगैरह, ये पूरा एरिया कुछ ऐसा है, देख रहे हो पूरा खंडर है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसके अंदर जा पाऊँगा यार, ये बहुत कूड़ा है यार, बदबू सी आ रही है। और इसके अंदर का मैं थोड़ा सा क्लोज जाके दिखाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसके अंदर जा पाऊंगा, बहुत कूड़ा वगैरह भी पड़ा है यहाँ पे, बदबू आ रही है यार सच बताऊँ तो। लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशली जा रहा हूँ मैं, ये देखिए अंदर से आपको थोड़ा दिखाता हूँ, ये देखिए क्या बिल्कुल एकदम खंडर हो चुका है अंदर, ये देखो पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मैं कोशिश करता हूँ कि बैक कैमरे से दिखाऊँ आपको। ये देखो गाइस अंदर कुछ बना है, ऐसा लग रहा है कि स्टैंड टाइप का बना है कुछ, दीवार से मतलब सीमेंट का ही बना है पूरा। और ये ऊपर की देखो ये जड़ें कैसी हो गई हैं इस टाइम, भाई साहब एकदम कुछ एपी की नज़ारा है अभी, ये देखो ये इधर। और इधर से अजानों की आवाज़ आने लगी है, मेरे ख्याल से मस्जिद वगैरह है इस तरफ। और ये भी पुरानी बिल्डिंग है, ये मेरे ख्याल से इसके बाद की है, इसके बाद की बिल्डिंग है ये। और ये पूरा एरिया देखो क्या अमेजिंग है भाई, खतरनाक एकदम, ये देखो अंदर इसके भाई साहब, ओ भाई सब कीचड़ हो रही है, मैं तो भाई नहीं जा पाऊँगा सॉरी, लेकिन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा। तो यहाँ पे कुत्ते ज़्यादा हैं, तो इनको आप परेशान ना करें तो भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये कभी भी जंगली कुत्ते हैं ना, तो कुछ पता नहीं इनका। ये देखिए आप क्या लग रहा है ये बिल्कुल, है ना, ये देखिए दीवार देखिए आप, ये देखिएगा ये दीवार। तो गाइस अभी वो पीछे का पोर्शन रह गया है उधर, तो मैं उधर ले चलता हूँ पहले आपको, है ना। तो मैं उधर जा ही रहा था कि ये पोर्शन भी दिखा मुझे, राजस्व निरीक्षण पागवाड़ा, ये बेसिकली मुझे लग रहा है कि पागवाड़ा है बेसिकली, ये जो एरिया है ये बुद्ध बाज़ार में लगता है, ये जो तहसील है ये बुद्ध बाज़ार की ओल्ड तहसील है देख सकते हैं आप। और काफ़ी पुराना बना है ये देखिए आप क्या पुरानी बिल्डिंग है, देख रहे हैं बहुत ही एपिक बिल्डिंग है देखिए, और बहुत ही पुरानी, ये देखिए ये सब पुरानी है। और ये देख सकते हैं पूरी पुरानी बिल्डिंग है। और ये देखिए अंदर इसके रूम सब खंडर हो चुका है इस टाइम, और बिल्कुल खंडर एकदम ये समझ लो। और बिल्कुल यहाँ पे लोग टॉयलेट करने वगैरह आते हैं देख सकते हैं आप, और बाकी तो ये रूम सारे ऐसे खंडर पड़े हैं अंदर से, ये देखो थोड़ा यहाँ से दिखाता हूँ आपको। तो उधर टॉयलेट की बदबू आ रही है, लोगों ने टॉयलेट वगैरह कर रखी है, तो थोड़ी अजीब जगह है ये, मतलब गंदगी कहूँगा मैं से गंदगी, तो एक तरीके से ये जगह खंडर हो चुकी है ना, बहुत ही मतलब अजीब लग रहा है कि इतनी अच्छी अच्छी जगहें खंडर हो जाती हैं, तो बहुत ही अफसोस भी होता है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन चीज़ों को अच्छा भी कर सकती है ना, अगर ध्यान दे तो। सो गाइस ये जो तहसील है ये कांट रोड अकबर किले के पीछे शिफ्ट हो गई है अब, पहले यहीं काम होता था सारा, तो काफ़ी खंडर हो गया है ये देख सकते हैं आप, देख रहे हैं आप काफ़ी पुराना है, ये देखिए पीछे मेरे पूरा है ना। मुरादाबाद में हूँ मैं इस टाइम, और काफ़ी वीडियोस मैंने अपलोड की मुरादाबाद की, और शॉर्ट्स में काफ़ी अपलोड कर रहा हूँ आजकल। और ये देखिए आप क्या खूबसूरत बना है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो कर ले, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल RKC ब्लॉग्स। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें बिना रुक ली मत जाना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, मैं ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो यार चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।